आप अगर क्रिकेट का फैन है तो आपने ये जरूर देखे होंगे कि अंपायर प्लेयर से बॉल ले लेते हैं। कब लेते हैं? जब इनिंग्स का ब्रेक होता है, यानी टी ब्रेक, या फिर इनिंग्स खत्म होता है तब, या फिर कोई विकेट गिरता है, विकेट गिरने के बाद सब प्लेयर सेलिब्रेट करता है, तब अंपायर उनसे बॉल ले लेते हैं। कोई इनिंग्स शुरू होने से पहले या फिर गेम में कोई भी अड़चन आए, यानी मान लीजिए बारिश हो रहा है, या मान लीजिए बहुत हवा बह रहा है, या फिर बत्ती गुल हो जाए, तो अंपायर ऐसे क्यों करते हैं? ये क्या रूल के मुताबिक है या फिर इसके पीछे कोई रूल नहीं है? बताऊंगा मैं दोस्तों। इसके लिए आपको जुड़े रहूंगा स्पोर्ट्स टाइम हिंदी में, ताकि मैं आज आपको सब कुछ बता सकूं। जब भी खेल के दौरान कभी मैच स्टॉप होता है या फिर पॉज किया जाता है, तभी वो बॉल फील्डिंग टीम को अंपायर को देना होता है और बॉल पे रोक लग जाता है, यानी स्टे लग जाता है। और ये कुछ वेरियस कारण के लिए होता है और ये करने के लिए क्रिकेट का रूल बुक में कहा गया है। क्रिकेट के रूल के मुताबिक जब कभी भी रेगुलर प्लेइंग पे अड़चने आता है या फिर प्ले को स्टॉप कर दिया जाता है किसी इनिंग्स ब्रेक के दौरान, या फिर कोई आपदा के दौरान, या फिर सेलिब्रेशन के दौरान, तो वो बॉल को अंपायर को सौंपना होगा। अंपायर वो बॉल अपने पास रखेंगे। जब प्ले रिज्यूम होगा या फिर नेक्स्ट इनिंग्स खेला जाएगा, तो अंपायर खुद बॉल वो फील्डिंग टीम या फिर ओपोनेंट फील्डिंग टीम को दे देंगे। तो ये करने के पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि बॉल टेम्परिंग। हाल ही में बहुत बार ऐसे देखा गया कि बॉल टेम्परिंग के लिए बहुत सारा प्लेयर्स को जुर्माना भरना हो रहा है, जैसे कि डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ को हाल ही में इसके लिए दोषी पाया गया। बॉल टेम्परिंग करने से क्या होता है, अगर बॉल में मान लीजिए छेद कर दिया जाता है या फिर एक साइड घिस दिया जाता है, तो स्पिनर्स को बहुत अच्छा स्पिन मिलेगा, या फिर पेस बॉलर अगर बॉल करना चाहे तो बॉल किस साइड पे जाएगा वो कोई भी बैट्समैन अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो इसी कारण बैट्समैन ऐसे शॉट खेलेगा जिससे आउट होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो मान लीजिए विकेट जाने के बाद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और बॉल जाकर सब लोगों के अंदर रख दिया और एक बंदा उसको टेम्पर कर दिया, तो इनमें रोक निकालने के लिए बॉल लिया जाता है। इसके साथ साथ और भी कारण है, जैसे कि मान लीजिए सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट करते करते बॉल को कैच कर रहे हैं या फिर बॉलिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो क्या होता है, गेम शुरू होने से पहले बॉल के ऊपर थोड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल गेम के बाहर अगर कोई प्रेशर होता है वो भी बॉल की लॉन्गजीविटी को इफेक्ट करता है, जैसे कि बॉल का कलर चेंज हो जाना या फिर बॉल का शेप चेंज हो जाना। ये ना हो तो इसलिए भी बॉल अंपायर्स के ओर जमा रखना होता है। कोई भी फील्डिंग टीम या फिर बैटिंग टीम के पास कोई ऐसा दायित्व नहीं रहता है कि बॉल अपने हवाले रखो या फिर बॉल को संभाल के रखो। तो खेल होने के बाद बॉल कहाँ जाता है उन लोगों को अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि मान लीजिए एक विकेट चला गया तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो बॉल कहाँ पे है सब लोग भूल जाता है, या फिर बॉल ऐसे खो भी जा सकता है, या फिर बाहर जाने के बाद कोई इस बॉल को भी ले भी सकता है। तो ये अराइज ना हो तो इसलिए बॉल को जिम्मेदार ठहराया गया है अंपायर के पास। अंपायर ही जिम्मेदार होगा सब कुछ के लिए, तो अंपायर को इसीलिए बॉल दिया जाता है ताकि बॉल स्टे रहे। तो दोस्तों क्रिकेट स्पोर्ट्स के बारे में आपको और क्या जानकारी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके मीठे मीठे कमेंट का।